तो सेल सुता विनती करूं त्यारे पिया महेश सेवक पे करियो दया सोग भरी पोत्री बोधिहीन तन जान के भैया सुमिरूप भन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोए सोहरो कले सोभिकार राम मैया मेरी सरस्वती माता करो कंठ पे वास लाज रखो मुझ दीन की मोह लगी तुम्हारी आस सुनो सत के तुम्हें मेरे गुरु बसे भैया युत की चलियो प्यार गुरु सुभाष के चरण की मैंने रज मस्त कलई धारी भूमिया मनाऊ जाई गाम को खेरे की है चामढ़माए करी एक जोर विनती करी
आदरणीय श्रोता बंधुओं, पिता तुल सभी विद्रक माताएं एवं बहनाएं, सभी के लिए मेरी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री श्री 108 सुभाष शास्त्री को नमन करते हुए आप लोगों के समक्ष ये रामायण से प्रसंग है और जनता की विशेष मांग के ऊपर हम आपको रामायण सुनाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा कोई गायक कलाकार नहीं, एक छोटा सा बच्चा हूं और कोई भूल अगर बर रही हो तो क्षमा करें। तो रामायण से प्रसंग है, राम की कथा कोई छोटा मोटा अवतार तो नहीं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने और रामचरितमानस में लिखा क्या, राम कथा ससे किरण समाना, हे राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना, हे राम कथा सुंदर करतारी, और संसे भ्यंग जुड़ा नारे, कितनी सुंदर बात लिखी गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कि राम कथा सस किरण समाना और संत चकोर करें जय पाना। राम की कथा किरण के समान बताइए और भगवान की कथा में बैठ करके ताली बजाना चाहिए और मुंह से गाना चाहिए। क्यों? कि हमारे तुम्हारे अंदर जो माया रूपी पक्षी बैठा है वो ताली बजाने से और गाने से उड़ जाता है। तो ध्यान करें श्रोता बंधुओं, जनता की विशेष मांग के ऊपर और हम रामायण का प्रसंग आप लोगों के समक्ष सुना रहे हैं। प्रेम पूर्वक सुने। तो बात उस समय की है जिस समय हनुमान जी पर्वत पे, हनुमान जी और श्री राम लक्ष्मण जामवंत नल नीर सभी समुद्र पर खड़े हुए हैं और लक्ष्मण के शक्ति लग गई थी। तो लंका से सुसैन वेद को लेकर के आए थे हनुमान जी और समुद्र पे लाकर के और द्वैचा दमोचा दे कई के जी बता के मूर कामंती है सजीवन मूर काए सो डर के माए वेदने कई के मूर मिले तो दोना जो कई के मूर काम ले दोना गिर पे। महाराज यहां पे दोनागिर कितनी दूर है,
सो कई के ज्ञाते 700 कोस है। जाओ 700 कोस को नाम लो। सो जितने उठाड़े मां जितने जने सबन की नजर नीचे को विचार करो कन्याते 700 कोस को जा। और रात रात की बात है, सूर्य नारायण लेकर आए तो लक्ष्मण, लक्ष्मण की तो मृत्यु हो जाएगी। जो चुप गईया सबन ने शादी और नीचे को गर्दन करी, तब रीछों के राजा जामंत महाराज बोले, हे हनुमान इस तरीके से आप गर्दन डाले बैठे हो हैं? और तब कई का जब हमारे तुम्हारी उनहारा हमें तुम्हारी उनहारा पृथ्वी नहीं बहतरी मारा कई। जामंत महाराज ने के हनुमान इस तरीके से तुम चुप गैया साधे बैठे हो हैं? जब हम तुम्हारी उम्र पे थे तब हमने इस पृथ्वी को 72 बार नगा था, अब सो कैसे? सो ऐसे कि एक बार चंद्रमा में और सूर्य में झगड़ा हो गया था, तो चंद्रमा तो हिमालय में जाकर के छिप गया और सूर्य काशी में जाकर के छिप गया। तो उनके सुझाव के लिए हमने जो चंद्रमा ने कही सोता के सूर्य ते कही और सूर्य ने कही वो चंद्रमा ते कही, इस प्रकार हमें पृथ्वी को 72 बार नाचना पड़ा और तब दिल निकला था, तब दिल निकला था। सो तुम चुप गैया साधे बैठे हो, जाओ मरे पे। अच्छा हनुमान ने सुनी तो जा, बात है तो तुम जानते हो कि असली छत्री होगा, असली सूर वंश छत्री अपमान सहन नहीं करते हैं। बूंदी नरेश जसवंत सिंह यूं बोले ऊंचे सुर से हैं, इस तुच्छ शेर की बादशाह क्या आप बढ़ाई करते हैं? अरे ऐसे शेर तो मेरे घर बच्चों से खेला। जो कई ए हनुमान तैयार भाई, जो हनुमान तैयार भाई।